नमस्कार। आप सफल हो, आप एक अच्छी पोजीशन पे हो और आपके सब कुछ सही सेटल चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे कुछ और ऊपर उठना चाहिए, मुझे कुछ और आगे जाना चाहिए। अगर आपको आगे जाना है, अगर आप सफल और थोड़ा और सफल होना है, आपको थोड़ा और ऊंचाई पर जाना है, तो ये तीन चीजें आपको करनी होगी। ये तीन चीजें हालांकि आपके पास होगी, लेकिन उनको थोड़ा और बेटर करना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा इन तीन चीजों को आप कैसे बेटर कर सकते हो, कैसे अपनी सफलता को तीन गुना कर सकते हो इन तीन बातों से। ये बातें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके पास होगी ना, तो आपकी सफलता तीन गुनी हो सकती है। वो तीन बातें क्या हैं, आइए देखते हैं। नंबर वन, प्रेजेंटेबल सही होना आपका। प्रेजेंटेबल का मतलब क्या होता है? आप किसी से मिल रहे हो ना, उस वक्त आपकी उपस्थिति, आपका प्रेजेंट परफेक्ट होना। अब आपको कहोगे, सर प्रेजेंट उपस्थिति किसी के सामने परफेक्ट कैसे हो? सामने वाले को यह फील होना चाहिए आपसे मिलकर, आपसे सुनकर और आपको देखकर वह खुश हो। इसको बोलते आपकी उपस्थिति वेल होना, परफेक्ट होना। सामने वाला आपका इंतजार करे, सामने वाले आपको बार बार फोन करे, नहीं यार वो उस बंदा उसके साथ काम करना चाहिए। वाह क्या बंदा है, क्या बोलता है, क्या काम करता है, ये होती आपकी उपस्थिति। ये तीन बातें आप याद रखना। सामने वाले बंदे को ये तीन चीजें महसूस होनी चाहिए, आपसे मिलकर, आपको देखकर, आपको सुनकर वो खुश हो। ये होता है आपका प्रेजेंटेबल, सामने के सामने लोगों से कैसे उपस्थित होना। आप सामने वाले से मिल रहे हो, आपके मुंह पर एनी टाइम एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए। सामने वाले से मिले तो गर्म जोशी से मिले, या आइए बैठिए एकदम, मतलब सामने वाला, आप अगर एनर्जेटिक से मिलेंगे ना, तो सामने वालों को भी उत्साह हो जाएगा। अगर आपके चेहरे पे हल्की उदासी और एक आप बिना एनर्जी के किसी के मिलोगे, तो सामने वाले और नेगेटिव हो जाएगा, वो कहे यार किस आदमी से मिल रहे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, एक आत्मविश्वास झलकना चाहिए सामने वाले से मिलकर। अच्छे कपड़े होने चाहिए, कपड़े ब्रांडेड ना हो कोई बात नहीं, लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए। अच्छी आपकी स्टाइल होनी चाहिए, अच्छा आपका रन सन होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें सामने वाले के ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालती है। आप देखते हो, सर ये बहुत छोटी बात है यार, वाह ऐसा कुछ नहीं, नो नेवर। आप सामने वाले से आत्मविश्वास से मत मिलना, आप सामने वाले से नेगेटिव बात करना, आप सामने वाले से के सामने अच्छे कपड़े पहन के मत जाना, आप सामने वाले को अच्छा मत बोलना। देखें आपकी पर्सनालिटी पर क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत। इसलिए अपना प्रेजेंटेबल ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला मिलकर और आपके जाने के बाद भी आपको याद करेगा, यार वाह यार किस आदमी से मिला, और वो पीठ पीछे आपकी तारीफ करेगा, वाओ व्हाट इज द पर्सन यार। ये होता है प्रेजेंटेबल। सेकंड है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपनी सफलता कर इंक्रीज करनी है, तीन गुना करनी है ना, तो एक देखा होगा कोई अच्छा लीडर होता है ना, उसकी कम्युनिकेशन बहुत ही बेस्ट होती है। अच्छा लीडर कभी नेगेटिव बात नहीं करता है, अच्छा लीडर अपनी वर्ड में कभी गाली के प्रयोग नहीं करता है, अच्छा लीडर सामने वाले को सम्मान से बोलता है, और अच्छा लीडर ऐसे बोलता है ना कि सामने वाले को चुटकियों में मंत्र मुग्ध कर देता है, और जब काम होने के बाद सामने वाला क्या बोलता है, थैंक यू, वेलकम, चिंता मत करिए, आपका काम हो जाइए, आइए बिराजिए बैठिए। ये होते हैं कुछ लोगों को अपनी बोली से प्रभावित करने के वाक्य। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपको सुने तो सुनता रह जाए, और देखे यार क्या बोलते हैं, सबको सम्मान से बोलना, और सबको सम्मान से बोलने के साथ में सबको नाम से बोलना, और उसके साथ में जी लगाना। अगर आप किसी को अगर बोलोगे भाई साहब आप इधर आना, ये ना, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको नाम से बोलोगे राकेश जी अनिल जी इधर आना आइए बैठिए, तो आप देखना उसके सामने वालों को क्या प्रभाव, वो भी देखोगे अरे वाह यार क्या बड़ा आदमी भी मेरा नाम जानता है। दैट इज, ये होता है इफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी ना, तो हर कोई
बंदा आपके साथ में जुड़ने की कोशिश करेगा, हर कोई आपके साथ में जुड़ने की कोशिश करेगा और आप अपनी सफलता को 3 गुना कर सकते हैं। थर्ड, ईमानदारी, ऑनेस्टी। आप कोई भी बिजनेस करते हो, थोड़ी बहुत ईमानदारी है, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर रहे हो, ऐसा कभी मत करना। अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट करना और ईमानदार रखना, आप थोड़े समय के लिए अच्छी ग्रोथ कर लोगे, आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आप वापस ऐसा गिरोगे ना कि लाइफ में कभी उठ नहीं पाओगे। आगे बढ़ने के लिए भले ही आपकी शुरुआत धीमी हो, लेकिन ईमानदारी के साथ में आपकी शुरुआत होनी चाहिए। धीमी शुरुआत ईमानदारी के साथ में एक दिन रॉकेट बन जाती है, आपकी सफलता को 3 गुना बढ़ा देती है। और शॉर्ट टर्म की सक्सेस, फ्रॉड करके किसी को धोखा देकर सक्सेस पाना, शॉर्ट टर्म के लिए आप ऊपर चढ़ोगे लेकिन ऐसा गिरोगे जीवन पर। याद रखो कि तेरे सफलता पाना हर किसी के बस की बात नहीं, सफलता पा ली कोई, लेकिन सफलता को मेंटेन करना सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए जीवन लाइफ में ईमानदारी जरूर रखो। ये 3 बातें आप अपनी पर्सनालिटी में अपना देना, आपकी सफलता 3 गुनी हो जाएगी। नंबर 1, प्रेजेंटेबल सही होना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल वेरी गुड रखना और ईमानदारी रखना, ऑनेस्टी रखना अपने बिजनेस में या किसी भी फील्ड में। आप जिस स्थिति पे हो, आप सफल हो, लेकिन आपकी सफलता 3 गुनी हो जाएगी।